YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। आज जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो भी सर्दियों में होने वाली समस्याओं में एक बहुत बड़ी समस्या है, डैंड्रफ का होना। बहुत सारे लोगों को सर्दियों में डैंड्रफ हो जाता है, बाल बहुत झड़ते हैं। इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी और कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में भी बताऊंगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिल पाए। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि डैंड्रफ होता क्या है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि स्किन में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड और सेबेशियस ग्लैंड, जिनके सिक्रीशन पर डिपेंड करता है कि हमारी स्किन ड्राई है या मॉइस्चराइजिंग है। अगर सिक्रीशन प्रॉपर होता रहता है तो हमारी स्किन मॉइस्चराइज रहती है, और अगर ये सिक्रीशन ठीक तरीके से नहीं हो पाता है तो स्किन सूखने लग जाती है, डेड स्किन की परतें जमने लग जाती है, तो बाल भी बहुत झड़ेंगे क्योंकि जो रूट्स होती हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाते हैं, रूट्स भी डैमेज हो जाती हैं, और वो डैमेज रूट्स अगर हैं तो बाल भी झड़ते जाएंगे। यानी कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा हेयर फॉलिंग भी होता है। मेरे इस वीडियो में आपको कुछ डैंड्रफ के इमेजेस दिख रही होंगी। अगर सीबम का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी ऑयली सिक्रीशन, सीबम जिसको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, अगर ये बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है और स्किन वैसे ही डैमेज है तो ये बहुत ऑयली और चिपचिपा टाइप का फंगल इन्फेक्शन के रूप में एक परत सी जम जाती है। ये भी एक डिजीज़ के रूप में दिखने लग जाती है लोगों को, जबकि कोई डिजीज़ नहीं होती है। सीबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं, आप उसकी इमेज भी देख सकते हैं। ये एक फंगल इन्फेक्शन के रूप में नज़र आता है, बहुत बार बहुत मोटी परत सी जम जाती है येलो कलर की। अगर ठीक तरह से शैम्पू नहीं किया हुआ है तो शैम्पू से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, केमिकल्स यूज़ करने से भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, तो वो भी एक तरीके का डिजीज़ के रूप में नज़र आने लग जाता है। लोगों को ये मिथ है कि बार बार या ज़्यादा शैम्पू करने से भी हमारे बाल डैमेज हो रहे हैं। बालों की साफ़ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से क्लीन करना है, बार बार पानी से खूब अच्छे से वॉश करना है ताकि सारी गंदगी भी निकल जाए, और जो भी आप शैम्पू या कुछ भी प्रोडक्ट अगर यूज़ करते हैं तो वो प्रॉपर तरीके से हेयर वॉश होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। थोड़ा सा होम्योपैथी के बारे में बात कर लेती हूँ। होम्योपैथी भी बहुत एडवांस हो गई है, तो हमारी होम्योपैथी में बहुत सारी कंपनियाँ जैसे कि बैक्सन है, एडविन है, लॉर्ड्स है, एलन है, इस तरह की बहुत सारी कंपनीज हैं। इन बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने डैंड्रफ से लेकर बालों की जो भी प्रॉब्लम्स रहती हैं उनके सिम्टम्स के बेसिस पर ऑयल और शैम्पूज या बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हमें अवेलेबल करवा रखे हैं। ये सभी तरह के ऑयल, शैम्पू या जो भी मेडिसिंस रहती हैं या प्रोडक्ट्स रहते हैं ये आप खुद से बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम है तो होम्योपैथिक डॉक्टर से या फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कर लें, क्योंकि आपके सिम्टम्स के बेसिस पर किस तरह की प्रॉब्लम है, कब से है, कितना टाइम हुआ है, किस किस तरह के आप पहले प्रोडक्ट यूज़ कर चुके हो, तो ये सारे सिम्टम्स हम लोग केस टेकिंग के दौरान नोट करते हैं, तभी हम आपको एडवाइस करते हैं कि आपको कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पेशेंट आके कहते हैं ये सारा तो हमने यूज़ कर लिया, इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला, इसके बाद हमें कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फ़ायदा ज़रूर होगा, आप फिजिशियन से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कॉन्टैक्ट करें, और उसके बाद ही अपनी मेडिसिन का सिलेक्शन और अपने प्रोडक्ट का सिलेक्शन करके ही उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करें, तभी आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकते हैं। अब मैं बात करूँगी कुछ होम्योपैथिक दवाओं की, जिसमें सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है कालीफॉस। कालीफॉस 6x दो दो टैबलेट दिन में 3 बार आपको लेनी है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं, इसमें बहुत चिपचिपा सा डैंड्रफ होता है, बहुत स्टिकी डैंड्रफ होता है, येलो कलर का या क्रीमी टाइप का जो होता है डैंड्रफ का टेक्सचर होता है, आप उसको अगर ऐसे रब करते हैं तो वो बहुत चिपचिपा सा होता है। इसका एक मेन सिम्टम ये भी है कि पेशेंट की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, बहुत कमज़ोर होता है, कोई भी बीमारी या किसी भी तरह का इन्फेक्शन उसको बहुत जल्दी लगता है, और इसमें स्टिकी टाइप का डैंड्रफ होता है, तो आप कालीफॉस दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है फॉस्फोरस 30, ये दो दो बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में डाल के लेने की है। फॉस्फोरस के पेशेंट का डैंड्रफ भी बहुत ड्राई होता है, रफ होता है, बहुत झड़ता रहता है, बाल भी बहुत रफ और ड्राई होते हैं, बहुत ही ज़्यादा सूखा सूखा सा डैंड्रफ झड़ता है, तो हम फॉस्फोरस दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30, ये दो दो बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में देना होता है। इसमें सिबोरिक डर्मेटाइटिस अगर किसी को है तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं ग्रेफाइटिस से। बहुत चिपचिपा सा जो डैंड्रफ होता है, आईब्रोज के चारों तरफ भी अगर डैंड्रफ दिखाई दे रहा है बहुत चिपचिपा सा, और आई लैशेस के चारों तरफ भी अगर डैंड्रफ दिखाई दे रहा है, पपड़ी सी जम रही है बहुत चिपचिपी येलो कलर की,
और बाल भी बहुत झड़ रहे हैं, आईब्रो के भी अगर बाल झड़ रहे हैं तो ग्रेफाइटिस 30 देने से बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो मैंने इस वीडियो में आपको डैंड्रफ के बारे में, कुछ कुछ डैंड्रफ का टेक्सचर किस तरह का होता है, कुछ होम्योपैथिक दवाओं के बारे में जानकारी दी और होम्योपैथी में हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं वो भी बताया है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ के अपडेट आपको मिल पाएँ। धन्यवाद।